हेलो, आप कैसे हैं? आज हम किचन गार्डन के बारे में बात करेंगे। किचन गार्डन एक होना ज़रूरी है। किचन गार्डन से रोज़ तरोताज़ा सब्जियां मिलती है, तो आज हम किचन गार्डन में आपको ले चलेंगे। तो चलते हैं किचन गार्डन में। हेलो, क्या कर रही है आप? भिंडी ले रही हूँ। अच्छा, भिंडी रोजाना कितनी भिंडी आती है? 500 ग्राम, 500 से 1 किलो तक होती है रोज भिंडी। ये क्या है? तुलसी ये तुलसी का पान है। का पान। हाँ, ये किस काम में आती है? ये उधरस खांसी होती है तो चाय बना के इसमें डालते हैं। ये करेला है, ये क्या है? ये करेला है। करेली। हाँ, करेले, छोटा छोटा करेला। ये दूधी 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 लगी है। है। हाँ, छोटी 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 दूधी लग रही है। बेचारी हो जाएगी, छोटी छोटी बूटी लग रही है। बूटी जन 4-5 बूटी होती, रोजाना कितनी दूधी होती है? 4-5 बूटी होती है एक अच्छा, एक फुट की। करेली कितने करेले होते हैं? करेली भी होती है 500 ग्राम से 1 किलो। अच्छा, भिंडे 1 किलो होती है। मिर्ची मिर्ची रोजाना 100 ग्राम होता है। भिंडी में क्या दवाई लगाई? नहीं, और ऐसे ही ऐसे ही कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं बिल्कुल डाला? पानी, पानी। बिल्कुल पानी अच्छा, अकेला। इसमें कोई दवा बवा नहीं होती, सिर्फ घर के लिए है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये क्या है? ये क्या ये हल्दी है? हल्दी छोटी छोटी। हल्दी। हाँ, नीली हल्दी। ये क्या है? ये पेंडालू। पेंडालू का पान हाँ, पत्ते। पत्ते हैं, ये पेंडालू के पत्ते। पत्रविद्या होता है इसका। अच्छा, और कांकरा, ये क्या है? ये रमतालू। अच्छा, रमतालू और ये ये रिंगन है। रिंगन भिंडी गल के है, वहाँ पे भिंडी है। पतरवी लिया का पान है, पतरवी लिया का पान। इसे अच्छा, इससे क्या बनता है? इसे पात्रा अच्छा, इसमें कोई दवाई या लगाई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा, बस जैविक है। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, ये घर के लिए बनाए हैं सब? हाँ, घर के लिए। घर की बाड़ी हाँ, है। घर के लिए। अच्छा, सब्जी सब मिल जाती है घर में से? हाँ, घर में बाहर जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा, मरचा रोज सब तरोता। कुछ, करेला, दूधी, भिंडे, अच्छा, भिंडी, झींगा। और ये क्या है? क्या ये अदरक है? अदरक अच्छा आधा गुजराती में बोलते हैं, अच्छा चाय में नाखते हैं। अच्छा ये मिर्ची है, छोटी छोटा छोटा मिर्चा लगा है। अच्छा मिर्ची तीखी है बहुत बड़ी। अच्छा 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 तो आपका बहुत बड़ा आभार। आपसे बहुत बड़ी माहिती मिली है, और किचन गार्डन बनाने की हम भी सोचेंगे, और
दूसरों को भी बताएंगे कैसे किचन गार्डन बनाते हैं और कैसे रोज़ाना तरोताज़ा सब्जियां प्राप्त करते हैं घर में, सबको ताज़ी ताज़ी सब्जी से हम खाते रहते हैं। हाँ, अच्छा 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 फिर मिलेंगे। अच्छा अच्छा।